नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC ट्यूब टीवी पर। फिंगर अबेकस के लेवल 1 के फुल कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम अपनी फिंगर्स को एज एन एबेकस किस प्रकार से यूज करते हैं, 0 से 99 तक के नंबर्स को फिंगर्स पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से किया जाता है, और साथ ही फिंगर अबेकस के ऑल 34 फॉर्मूले क्या होते हैं और इनका यूज कैलकुलेशन में कब और किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए इस पिक्चर की हेल्प से हम फिंगर अबेकस को और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। ये हमारा अबेकस है, 2 रॉड का अबेकस है। फर्स्ट रॉड को हम यूनिट रॉड बोलेंगे और इसकी लेफ्ट वाली रॉड हमारी टेंस रॉड कहलाती है। जो हमारा राइट हैंड है उसको हम एज अ यूनिट रॉड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे फिंगर्स हमारी लोअर बिट्स को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारी थंब है वो हमारे अपर बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। एवरी फिंगर्स रिप्रेजेंट करेगा 1 1 1 1 और हमारा जो थंब है वो हमारा 5 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अपर बिट्स की वैल्यू 5 होती है। इसी प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारी टेंस रॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो हमारी लोअर बिट्स को रिप्रेजेंट करती है और हमारा थंब क्या है, टेंस रॉड की अपर बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी एवरी फिंगर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, और थंब हमारे रिप्रेजेंट करेगा 50 को। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं कि हम 0 से 9 किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं फिंगर्स की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने अपने फिंगर्स और थंब को क्लोज किया, अपनी मुट्ठी बांधी। जो हमारी मुट्ठी है वो रिप्रेजेंट करती है 0 को। 1 के लिए हम 1 फिंगर को ओपन करेंगे, 2 के लिए 2 फिंगर, 3 4, 5 के लिए हम फिंगर को क्लोज करेंगे और हमारा थंब ओपन रहेगा, 5 6, थंब प्लस 1 फिंगर 6 7 8 एंड 9। तो इस प्रकार हम 0 से 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, हमने इंडेक्स फिंगर ओपन किया, इसकी वैल्यू होगी 10। राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 20 के लिए हमारा राइट हैंड के सारी फिंगर क्लोज होंगी और ये हमारी लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर को भी हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये हमारा 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा 60 70 80। अब हम देखते हैं 90, तो 91 92 93 94 95 96 97 98 99। तो इस प्रकार से हम फिंगर्स पर की हेल्प से हम 0 से 99 काउंट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल की हेल्प से फिंगर एबेकस को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाएगा। ओके, पहला एग्जांपल लेते हैं 2, तो 2 फिंगर्स को ओपन करेंगे, फिर है हमारा 1 प्लस 1, 1 मोर फिंगर को ओपन करेंगे, फिर है प्लस 5 के लिए हम अपना थंब ओपन करेंगे। तो हमारे कितने फिंगर्स ओपन हो गए, 5 6 7 8। हमारा आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, 5 थंब एंड 1 फिंगर, 6 प्लस 3, 3 मोर फिंगर ओपन किए, -5, माइनस के लिए हम थंब को क्लोज करेंगे। तो हमारे कितनी फिंगर ओपन है, 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 फिंगर ओपन किया 6 के लिए, 5 एंड प्लस 1, 6 प्लस 2, 2 मोर फिंगर, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 के लिए हमारे सारी फिंगर ओपन हो जाएंगे,
माइनस एट, माइनस एट के लिए फाइव सिक्स सेवन एट, माइनस एट प्लस थ्री, वन टू थ्री, आंसर इज फोर. नेक्स्ट इज फाइव, फाइव प्लस वन, वन फिंगर इज ओपन, प्लस थ्री, वन टू थ्री, आंसर हो जाएगा हमारा नाइन. सेवन फाइव सिक्स सेवन, सेवन प्लस टू, वन टू, नाइन माइनस नाइन, माइनस नाइन के लिए सारी फिंगर हमारी क्लोज हो जाएंगी, आंसर हो जाएगा हमारा ज़ीरो. अभी एट, फाइव सिक्स सेवन एट, एट माइनस सिक्स, फाइव सिक्स, प्लस टू, वन टू, आंसर इज फोर. नेक्स्ट एग्जांपल, वन वन सिक्स, फाइव सिक्स, माइनस टू, वन टू, आंसर इज फाइव. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फाइव फोर, वन टू थ्री फोर, प्लस फोर, माइनस सेवन, फाइव सिक्स सेवन, आंसर क्या आ जाएगा हमारा टू. फोर, फोर फिंगर, प्लस फाइव, फाइव, माइनस थ्री, वन टू थ्री, आंसर कितना हो गया हमारा सिक्स. तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है 19, 10 एंड 9, 19 हो गया. अभी माइनस फाइव, तो क्लोज कर देंगे, थंब की वैल्यू फाइव होती है, क्लोज हम करेंगे थंब, एंड माइनस टू, टू फिंगर को क्लोज किया. अभी तो हमारा 12 हो गया, अभी 11, तो 10 एंड 1, ओके. नाउ 5, प्लस 5 है तो प्लस 5 ओपन किया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 28, 10, 20, 25, 26, 27, 28, हमारा आंसर हो जाएगा 28. नाउ 15, 10 एंड 5, 15 प्लस 3, तो 3 फिंगर ओपन करेंगे, माइनस 6, तो 5 एंड 6, माइनस 6, प्लस 17, 10 प्लस 7, 5, 6, 7, अभी माइनस 4, तो 4 फिंगर को क्लोज किया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 10, 25, 25. नेक्स्ट है 20, ये हो गया हमारा 20, 14, 10 एंड 4, 14 प्लस 15, 10 एंड 5, 15, आंसर इज 49. 63, 3, 63 प्लस 6, 5, 6, हो गया 69. नेक्स्ट इज माइनस 3, क्लोज की 3 फिंगर, माइनस 5, 5 क्लोज किया, तो आंसर इज 61. 50, लेफ्ट हैंड के थंब की वैल्यू होती है 50, प्लस 3, प्लस 3, प्लस 6, 5, 6, माइनस 5, आंसर इज 54. नेक्स्ट 48, 40 एंड 8, हो गया 48. नेक्स्ट है माइनस 2, माइनस 2, नेक्स्ट है माइनस 1, माइनस 1, अभी माइनस 20, माइनस 20, आंसर कितना हो गया 10, 25, 25. नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 21, 21 प्लस 10, प्लस 10, प्लस 5, प्लस 5, प्लस 2, प्लस 2, आंसर इज 38. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, 25, 25 प्लस 11, 10, 1, 11 प्लस 3, प्लस 3, नेक्स्ट इज माइनस 3, माइनस 3, आंसर इज 35, 6, 36, 2 प्लस 5, माइनस 7, 5, 6, 7, प्लस 62, 50, 60 एंड 2, आंसर कितना हो जाएगा 62. अभी तक हमने सीखा
कि फिंगर की हेल्प से हम डायरेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से करते हैं, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हम फिंगर्स की हेल्प से डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाएँ। चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम फिंगर्स या एबेकस की हेल्प से हम क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2, 1, 1, 5, आंसर है हमारा 9। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2, 2 फिंगर ओपन की 4, लेकिन हमारे पास क्या 4 फिंगर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है ओनली 2 फिंगर्स एंड थंब जिसकी वैल्यू है 5। तो इस तरीके के फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए हमें एबेकस पर कुछ फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। इन फॉर्मूले को हम स्मॉल फ्रेंड, वीक फ्रेंड एंड कॉम्बिनेशंस के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम स्मॉल फ्रेंड के फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे कि स्मॉल फ्रेंड के फॉर्मूले क्या होते हैं और फिंगर एबेकस में हम इनको किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। स्मॉल फ्रेंड हम उन दो नंबर्स को बोलते हैं जिनको ऐड करने पर हमें 5 मिलता है। जैसे हमारा नंबर है 1 तो उसका स्मॉल फ्रेंड होता है 4, दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है 5। उसी प्रकार से 2 अगर नंबर है तो उसका स्मॉल फ्रेंड होता है 3, 2 + 3 = 5 होता है, 3 + 2 = 5, तो 3 का फ्रेंड कौन हुआ 2, 4 + 1 = 5 होता है तो 4 का फ्रेंड हुआ 1। हमको ऐड करना है 1, तो हमारा स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला 1 को ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5। अगर हमको 1 ऐड करना है तो 1 के लिए हो जाएगा हमारा 1 = 5, 4 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो हो जाएगा हमारा -4। तो हमें जब भी ऐड करना है 1 तो हम क्या करेंगे 5 को ऐड करेंगे और जो 1 का फ्रेंड है उसको हम माइनस करेंगे। इसी प्रकार से 2 + 3 = 5, अगर हमें 2 ऐड करना है तो 5 - 3, 2 ऐड करने के लिए हमें 5 को ऐड करना पड़ेगा, जो भी 2 का फ्रेंड हो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, 3 + 2 = 5, अगर हमें 3 ऐड करना है तो 5 को ऐड करना पड़ेगा, 3 के फ्रेंड को माइनस करना पड़ेगा, 4 + 1 = 5, अगर हमें 4 को ऐड करना है तो हमें 5 को ऐड करना पड़ेगा और 4 के फ्रेंड को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे ये हो गया हमारे स्मॉल फ्रेंड के फॉर्मूले एडिशन के केस में। 1 को ऐड करने के लिए 5 को ऐड करेंगे और 1 के फ्रेंड को माइनस, 2 को ऐड करने के लिए 5 को ऐड करेंगे, 2 का फ्रेंड 3 होता है, 3 को माइनस, 3 को ऐड करने के लिए हम 5 को ऐड करेंगे और 3 का फ्रेंड होता है 2, तो 2 को माइनस करेंगे। इसी प्रकार से अगर हमें 4 ऐड करना है, 4 को ऐड करने के लिए हम 5 को ऐड करेंगे एंड 4 का फ्रेंड होता है 1, उसको हम माइनस करेंगे। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि ये फॉर्मूले हैं इनको हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे फिंगर एबेकस पर। 2, 2, 4, अभी हमारे पास 4 नहीं है तो 4 का फॉर्मूला होता है +5 - 1, +2 + 1, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जांपल 1 + 2 + 3 करना है तो +3 जब भी करना है तो +5 करेंगे, 3 का फ्रेंड होता है 2, तो -2, +2, आंसर इज 8। नेक्स्ट एग्जांपल 3 + 4, अभी हमारे पास क्या 4 फिंगर अवेलेबल नहीं है तो 4 का फ्रेंड होता है 1, तो +5 - 1, +1 + 1, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जांपल 2 + 3 + 3, 3 फिंगर्स अवेलेबल नहीं है तो 3 का फ्रेंड होता है 2, तो +5 - 2, +2 + 1, आंसर इज 8। नेक्स्ट एग्जांपल 5 - 1 = 1, आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जांपल 3 + 2, अब हमारे पास 2 नहीं है तो 2 का फ्रेंड होता है 3, तो 3 माइनस करेंगे, +5 + 1 + 1, आंसर इज 7। नेक्स्ट एग्जांपल 4 + 1 करना है, +1 का फ्रेंड होता है 4,
तो प्लस फाइव माइनस फोर प्लस वन प्लस वन, आंसर इज सेवन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा थ्री प्लस वन प्लस वन. प्लस वन करने के लिए हम करेंगे प्लस फाइव, वन का फ्रेंड होता है फोर, माइनस फोर प्लस टू, आंसर इज सेवन. आज की वीडियो हम सीखेंगे कि स्मॉल फ्रेंड के नेगेटिव केस के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और इनका यूज हम फिंगर अवेकस में कब और किस प्रकार से करेंगे. एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में फॉर्मूले की हेल्प कब लेनी पड़ती है. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट नंबर है हमारा नाइन माइनस थ्री. माइनस थ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने थ्री फिंगर को क्लोज करेंगे. नेक्स्ट है हमारा माइनस टू. अब हम माइनस टू करने के लिए हमारे पास क्या सफिशियंट फिंगर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ओनली वन फिंगर अवेलेबल है और थंब अवेलेबल है. फिंगर की वैल्यू होती है वन, तो हम सिर्फ वन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर फाइव सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको करना है क्या सब्ट्रैक्ट टू. तो इस तरीके के केसेस में जब हमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन हमारे पास सफिशियंट फिंगर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें कुछ फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है. जब हमको माइनस करना है वन टू थ्री फोर, जो कि हमारे फाइव से छोटा नंबर हो, और हमारे पास क्या होना चाहिए फाइव अवेलेबल हो. तो ऐसे केसेस में हम जिन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले. तो ऐसे दो नंबर्स को हम स्मॉल फ्रेंड बोलते हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारा सम क्या आना चाहिए फाइव आना चाहिए. अगर हमारे पास नंबर वन है, वन में फोर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है फाइव, तो वन का स्मॉल फ्रेंड हो जाता है फोर. नंबर टू है, टू में थ्री ऐड करने पर हमको मिलता है फाइव, तो टू का स्मॉल फ्रेंड हो जाता है थ्री. इसी प्रकार से थ्री में टू ऐड करते हैं तो होता है हमारा फाइव, तो थ्री का स्मॉल फ्रेंड हो जाएगा टू. और नेक्स्ट नंबर है अगर हमारे पास फोर, फोर में वन को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है फाइव, तो फोर का स्मॉल फ्रेंड हो जाता है वन. अगर मान लीजिए हमारे हमको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस वन, तो हमारा फॉर्मूला कैसे बनेगा, फाइव हमको कैसे मिलता है, वन प्लस फोर. हम वन को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस वन इक्वल्स माइनस फाइव प्लस फोर. अगर हमें जब भी वन सब्ट्रैक्ट करना है तो हम फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वन का फ्रेंड होगा, वन का स्मॉल फ्रेंड होता है फोर, उसको हम ऐड करेंगे. अगर हमको माइनस टू करना है तो माइनस टू के लिए क्या करेंगे, हम फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे और टू का फ्रेंड होता है थ्री, उसको हम ऐड करेंगे. इसी प्रकार से अगर हमको माइनस थ्री करना है तो फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड थ्री का फ्रेंड होता है टू, टू को ऐड करेंगे. अगर हमको माइनस फोर करना है, माइनस फोर का फॉर्मूला हो जाएगा फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर का स्मॉल फ्रेंड होता है वन, उसके फ्रेंड को ऐड करेंगे. तो चलिए इन एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले को हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं नाइन. ये हो गया हमारा नाइन माइनस थ्री माइनस थ्री. माइनस टू, माइनस टू का फॉर्मूला होता है माइनस फाइव प्लस थ्री. अभी प्लस वन करना है, प्लस वन का फॉर्मूला होता है प्लस फाइव माइनस फोर, आंसर इज फाइव. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेवन. फाइव सिक्स सेवन. माइनस फोर, माइनस फाइव प्लस वन, फोर का फ्रेंड होता है वन, तो प्लस वन. प्लस सिक्स, फाइव सिक्स. माइनस वन, माइनस वन. आंसर इज फाइव सिक्स सेवन एट. नेक्स्ट एग्जांपल सेवन माइनस टू, माइनस टू. माइनस वन, अभी हमारे पास वन फिंगर अवेलेबल नहीं है तो हम यूज़ करेंगे माइनस वन के फॉर्मूले का. माइनस फाइव प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस फाइव. आंसर इज नाइन. नेक्स्ट एग्जांपल सिक्स माइनस वन, माइनस वन. अगेन माइनस वन, माइनस फाइव प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस फाइव. आंसर इज नाइन. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एट. फाइव सिक्स सेवन एट.
माइनस थ्री अब हमको करना है माइनस थ्री का फ्रेंड होता है टू, तो माइनस फाइव प्लस टू प्लस टू, आंसर इज फोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सिक्स, फाइव सिक्स माइनस फोर, माइनस फोर माइनस फोर का फ्रेंड होता है माइनस फाइव प्लस वन, प्लस वन प्लस सिक्स फाइव सिक्स, आंसर इज नाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल एट, फाइव सिक्स सेवन एट, माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री का फॉर्मूला होता है माइनस फाइव प्लस टू प्लस फाइव, आंसर इज नाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेवन, माइनस सिक्स फाइव सिक्स प्लस फोर, प्लस फोर प्लस फोर के लिए करेंगे हम प्लस फाइव माइनस वन प्लस टू, आंसर इज सेवन। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं फोर प्लस थ्री, प्लस थ्री का फॉर्मूला होता है प्लस फाइव माइनस टू, माइनस सिक्स फाइव सिक्स प्लस टू प्लस टू, आंसर इज थ्री। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वीक फ्रेंड्स फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और इन फॉर्मूलों को हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वीक फ्रेंड्स हम किन नंबर्स को बोलते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करने पर हमें 10 मिलता है वो एक दूसरे के वीक फ्रेंड कहलाते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 1, अगर हम 1 में 9 ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा 10। अगर हमारे पास नंबर है 2, 2 में 8 ऐड कर दें तो हमको मिलता है 10, तो हमारा 2 का बिग फ्रेंड हो जाएगा 8। अगर हमारे पास नंबर 3 है इसमें हम ऐड करेंगे 7, तो हमको मिलता है 10, तो 3 का बिग फ्रेंड हो गया 7। इसी प्रकार से 4 में 6 ऐड करने पर हमको मिलता है 10, तो 4 का बिग फ्रेंड हो गया 6। 5 में 5 ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 10, तो 5 का बिग फ्रेंड हो गया 5। 6 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 10, तो 6 का बिग फ्रेंड कहलाएगा 4। 7 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 10, तो 7 का बिग फ्रेंड कहलाएगा 3। इसी प्रकार से अगर हम 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 10, तो 8 का बिग फ्रेंड होता है 2। और अगर हम 9 में 1 ऐड करें तो हमारा हो जाता है 10, तो 9 का बिग फ्रेंड हो गया 1 प्लस 1। तो चलिए समझते हैं कि हमें बिग फ्रेंड की हेल्प कब लेनी पड़ती है। एग्जांपल लेते हैं 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो ये हो गया हमारा 9। अब हमको ऐड करना है 1, लेकिन हम 1 को क्या डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं तो हम चेक करेंगे क्या स्मॉल फ्रेंड की हेल्प से हम 1 ऐड कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हम क्या स्मॉल फ्रेंड की हेल्प भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास 5 भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमको हेल्प लेनी पड़ती है वीक फ्रेंड्स की। तो अब हमको ऐड करना है प्लस 1, तो प्लस 1 का के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्लस 10 माइनस 9। तो हम क्या करेंगे प्लस 10 माइनस 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। अगर हमको ऐड करना है प्लस 2 तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्लस 10 माइनस 8, उसके फ्रेंड को माइनस कर देंगे। अगर हमको प्लस 3 करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा प्लस 10, 3 का बिग फ्रेंड होता है 7, तो उसके फ्रेंड को माइनस कर देंगे। अगर हमको ऐड करना है प्लस 4, प्लस
टेन माइनस फोर का बिग फ्रेंड सिक्स होता है तो उसको माइनस करेंगे, प्लस फाइव करना है तो प्लस टेन, फाइव का बिग फ्रेंड होता है फाइव तो माइनस फाइव, प्लस सिक्स करना है तो प्लस टेन, टेन का बिग फ्रेंड होता है फोर तो फोर को माइनस करेंगे, प्लस सेवन करना है तो प्लस टेन, सेवन का फ्रेंड होता है थ्री तो माइनस थ्री, प्लस एट, प्लस टेन, एट का फ्रेंड होता है टू तो माइनस टू, प्लस नाइन करना है तो नाइन का फ्रेंड होता है वन माइनस वन। तो ये हमारे हो जाते हैं बिग फ्रेंड के फॉर्मूले एडिशन के केस के। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि बिग फ्रेंड्स फॉर्मूले को हम फिंगर एबेकस पर किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं नाइन, ये हो गया हमारा जीरो, ये हो गया हमारा नाइन। अब हमको ऐड करना है वन, हम वन डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई फिंगर अवेलेबल नहीं है, ना ही हम स्मॉल फ्रेंड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फाइव भी अवेलेबल नहीं है, फाइव ऑलरेडी हमारे पास क्या ओपन है। अब हमको यूज़ करना पड़ेगा वीक फ्रेंड फार्मूले का, प्लस वन का वीक फ्रेंड फार्मूला होता है प्लस टेन माइनस नाइन प्लस फोर, प्लस फोर आंसर इज फोर्टीन। नेक्स्ट एग्जांपल नाइन, ये हो गया हमारा नाइन, प्लस टू, प्लस टू का फॉर्मूला होता है प्लस टेन माइनस एट प्लस सिक्स, फाइव सिक्स आंसर इज सेवनटीन। नेक्स्ट एग्जांपल एट, ये हो गया हमारा एट, प्लस थ्री, प्लस थ्री हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास थ्री फिंगर अवेलेबल नहीं है, ना ही हम स्मॉल फ्रेंड का यूज़ कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास फाइव भी अवेलेबल नहीं है। तब हमको यूज़ करना पड़ेगा बिग फ्रेंड का, प्लस थ्री का बिग फ्रेंड होता है प्लस टेन माइनस सेवन, फाइव सिक्स सेवन, प्लस एट, प्लस एट आंसर इज नाइनटीन, सेवन प्लस टू, प्लस टू हम डायरेक्ट कर पाएंगे, प्लस फोर। अब हम प्लस फोर करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा वीक फ्रेंड के प्लस फोर के फॉर्मूले का, प्लस फोर का फॉर्मूला होता है प्लस टेन माइनस सिक्स आंसर इज थर्टीन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा सिक्स, ये हो गया हमारा सिक्स, प्लस फाइव, प्लस फाइव हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं तो अब हम यूज़ करेंगे प्लस फाइव का बिग फ्रेंड का फॉर्मूला जो कि होता है प्लस टेन माइनस फाइव, प्लस टेन माइनस फाइव, प्लस एट आंसर इज नाइनटीन, फोर प्लस सिक्स, प्लस सिक्स हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं तो हम यूज़ करेंगे प्लस सिक्स के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला जो कि होता है हमारा प्लस टेन माइनस फोर, प्लस थ्री, प्लस थ्री आंसर इज थर्टीन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइव, ये हो गया हमारा फाइव, प्लस थ्री, प्लस थ्री हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, प्लस सेवन। अब हम प्लस सेवन के लिए हम प्लस सेवन के वीक फ्रेंड फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, प्लस सेवन का फॉर्मूला होता है प्लस टेन माइनस थ्री, प्लस टेन माइनस थ्री आंसर इज फिफ्टीन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वन, प्लस थ्री, प्लस एट, प्लस एट का फॉर्मूला होता है प्लस टेन माइनस टू, प्लस टेन माइनस टू आंसर इज ट्वेल्व। लास्ट एग्जांपल देखते हैं थ्री, ये हो गया हमारा थ्री, प्लस सिक्स, फाइव सिक्स, प्लस सिक्स, प्लस नाइन, प्लस नाइन का फॉर्मूला होता है प्लस टेन माइनस वन, प्लस टेन माइनस वन तो हमारा आंसर हो जाएगा एट्टीन। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि बिग फ्रेंड्स के नेगेटिव केस के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और इनको हम फिंगर एबेकस पर किस प्रकार से अप्लाई करते हैं।
तो सबसे पहले समझते हैं कि वीक फ्रेंड्स के नेगेटिव केस के फॉर्मूले की हेल्प हमें कब लेनी पड़ती है। तो ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक नंबर 23, इसमें से हमको माइनस करना है 23, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया 3। अब हमको करना है माइनस 19, 10, 9। अब हमको करना है माइनस 9, लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ 3 फिंगर अवेलेबल हैं, हम सिर्फ 3 माइनस कर सकते हैं, 9 माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास क्या सफिशियंट फिंगर्स अवेलेबल ना हो माइनस करने के लिए, तो हमें वीक फ्रेंड्स के नेगेटिव फार्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। तो माइनस 9 का फार्मूला क्या होता है, माइनस 10 प्लस 1, तो माइनस 10 प्लस 1 आंसर हो जाएगा हमारा 4। तो ये हमारे वीक फ्रेंड्स के नेगेटिव केस के फॉर्मूले। माइनस 1 करना है तो हम माइनस 10 करेंगे, और 1 का फ्रेंड 9 होता है तो उसको ऐड करेंगे। माइनस 2 के लिए माइनस 10 प्लस 8, माइनस 3 के लिए माइनस 10 प्लस 7, माइनस 4 के लिए माइनस 10 प्लस 6, माइनस 5 के लिए माइनस 10 प्लस 5, माइनस 6 करना है तो हम करेंगे माइनस 10 प्लस 4, माइनस 7 करना है तो माइनस 10 प्लस 3, माइनस 8 के लिए होता है माइनस 10 प्लस 2, जब भी हमको माइनस 9 करना है तो उसके लिए हम करेंगे माइनस 10 और उसके फ्रेंड्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे बिग फ्रेंड के नेगेटिव केस के फॉर्मूले। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से हम इन फॉर्मूले को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 21, ये हो गया हमारा 0 फिंगर एबेकस पर, 21 ऐड करना है 9 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा बिग फ्रेंड्स के प्लस 9 का फॉर्मूला, जो कि होता है प्लस 10 माइनस 1 माइनस 31 माइनस 30 माइनस 1। अब हमारे पास राइट हैंड में कोई फिंगर अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्टली माइनस 1 नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस हमें लेनी हेल्प लेनी पड़ेगी बिग फ्रेंड्स के माइनस 1 के फॉर्मूले की, जो कि होता है माइनस 10 प्लस 9 ऐड 43। अब हम 3 कैसे ऐड करेंगे, प्लस 3 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई फिंगर राइट हैंड में कोई फिंगर अवेलेबल नहीं है। तो प्लस 3 का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 7, आंसर इज 52। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 55 प्लस 20 प्लस 5 का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 5 माइनस 32 माइनस 30 माइनस 2। अब हम माइनस 2 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी वीक फ्रेंड्स के माइनस 2 के फॉर्मूले का, जो कि होता है माइनस 10 प्लस 8, ये हो गया हमारा 32। अभी माइनस 26 माइनस 20 माइनस 6 आंसर इज 22। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 68 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 7 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते तो हमें प्लस 7 के लिए यूज़ करना पड़ेगा प्लस 7 का फॉर्मूला, जो कि होता है प्लस 10 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 33 माइनस 30 माइनस 3। माइनस 3 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो माइनस 3 का फॉर्मूला होता है माइनस 10 प्लस 7, आंसर इज 47। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 53 प्लस 26 प्लस 20 प्लस 6 माइनस 19 माइनस 10 माइनस 9 माइनस 24। माइनस 20 कैसे करेंगे, माइनस 50 प्लस 30 माइनस 20 हो गया माइनस 4। माइनस 4 का फॉर्मूला होता है माइनस 10 प्लस 6, आंसर इज 36। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 46
सिक्स प्लस 43, प्लस 40 हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा तो स्मॉल फ्रेंड के प्लस 4 का फॉर्मूला जो कि होता है प्लस 5 माइनस 1, ये हो गया हमारा 40, प्लस 3 माइनस 55, माइनस 50 माइनस 5, माइनस 25 माइनस 20। अब हम 5 क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ राइट हैंड में फोर फिंगर ओपन है, तो माइनस 5 का फॉर्मूला होता है माइनस 10 प्लस 5, माइनस 10 प्लस 5, आंसर इज 9, 09। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 39, माइनस 19, माइनस 10 माइनस 9, प्लस 73, प्लस 70 प्लस 3, माइनस 46, माइनस 40 माइनस 6, माइनस 6 किस प्रकार से करेंगे, माइनस 6 के लिए करते हैं माइनस 10 प्लस 4, माइनस 10 प्लस 4, प्लस 4 प्लस 5 माइनस 1, आंसर इज 47। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 12 प्लस 30 माइनस 17, माइनस 10 माइनस 7, माइनस 7 का फॉर्मूला होता है माइनस 10 प्लस 3, माइनस 10 प्लस 3, प्लस 3 के लिए यूज़ करेंगे हम स्मॉल फ्रेंड के फॉर्मूले का जो कि होता है प्लस 5 माइनस 2, प्लस 52, प्लस 50 प्लस 2, आंसर इज 77। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 73 माइनस 26, माइनस 20 माइनस 6, अब डायरेक्टली माइनस 6 नहीं कर सकते हैं तो माइनस 6 का फॉर्मूला होता है माइनस 10 प्लस 4, माइनस 10 प्लस 4, प्लस 4 किस प्रकार से करेंगे, प्लस 5 माइनस 1, ये हो गया हमारा प्लस 4, प्लस 50 माइनस 68, माइनस 60 माइनस 8, माइनस 8 का फॉर्मूला क्या होता है माइनस 10 प्लस 2, माइनस 10 प्लस 2, आंसर इज 29। लास्ट एग्जांपल लेते हैं 88 माइनस 29, माइनस 20 माइनस 9, माइनस 9 डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी माइनस 9 के फॉर्मूले की जो कि होता है माइनस 10 प्लस 1, माइनस 10 प्लस 1, प्लस 30 प्लस 30, माइनस 49, माइनस 40, माइनस 50 प्लस 10, माइनस 40, माइनस 9, माइनस 9, आंसर इज 40। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC Tube TV पर। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि एबेकस में कॉम्बिनेशन फॉर्मूलेस कौन कौन से होते हैं और इनको हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। जो हमारे कॉम्बिनेशन फॉर्मूलेस हैं वो हमारे 6, 7, 8, 9, इन्हीं नंबर्स के लिए अप्लाई होते हैं। तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूले की हेल्प हमें कब लेनी पड़ती है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपको ऐड करना है 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 करना है तो फिंगर अबेकस पे 4 प्लस 6 किस प्रकार से करते हैं हम, ये हो गया हमारा 4 प्लस 6। अब हमारे पास क्या 6 फिंगर्स अवेलेबल नहीं है तो हम हेल्प लेंगे वीक फ्रेंड की जो कि होता है, वीक फ्रेंड्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 10 माइनस 4, तो हमारा आंसर कितना हो गया 10। तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5 प्लस 6, ये हो गया 5, अब 6 करना है तो 6 हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी वीक फ्रेंड की, तो प्लस 6 के लिए
विक फ्रेंड का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 4 माइनस 4। हम माइनस 4 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, 4 फिंगर अवेलेबल नहीं है माइनस करने के लिए। हमारे पास सिर्फ क्या है, थंब अवेलेबल है जिसकी वैल्यू होती है 5। तो हम माइनस 4 किस प्रकार से करेंगे, तो अब हमको हेल्प लेनी पड़ेगी माइनस 4 के स्मॉल फ्रेंड के फॉर्मूले की, जो कि होता है माइनस 5 प्लस 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11। तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूले हमारे वो फॉर्मूले होते हैं जिनमें हमें विक फ्रेंड एंड स्मॉल फ्रेंड दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है। प्लस 6 का विक फ्रेंड का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 4, लेकिन अगर हमारे पास 4 फिंगर अवेलेबल नहीं है तो हम यूज़ करेंगे माइनस 4 के स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस 5 प्लस 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा प्लस 6 है उसका कॉम्बिनेशन फ्रेंड होता है प्लस 1। जब भी हमें प्लस 6 करना है तो प्लस 10 माइनस 5 प्लस 1। इसी प्रकार से प्लस 7 करना है, मान लीजिए हमारे पास 5 प्लस 7 है तो 5 प्लस 7 करना है, तो प्लस 10, प्लस 7 का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 3, माइनस 3 नहीं है तो माइनस 5 प्लस 2। तो 7 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड कौन हो जाएगा, प्लस 2। इसी प्रकार से जो 8 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड हो जाएगा प्लस 3, प्लस 10 माइनस 5 प्लस 3। 9 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड हो जाएगा हमारा प्लस 4, प्लस 10 माइनस 5 प्लस 4। तो चलिए एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो हमारे एडिशन केस के कॉम्बिनेशन फॉर्मूले होते हैं इनको हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा 5 प्लस 6, प्लस 6 का विक फ्रेंड का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 4, माइनस 4 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो माइनस 5 प्लस 1, प्लस 9 प्लस 10 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 10 प्लस 8, आंसर इज 18। नेक्स्ट एग्जांपल 1 प्लस 4, प्लस 4 हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हमारा प्लस 4 का स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला होता है प्लस 5 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 10 माइनस 1, आंसर इज 20। 5 7, 7 का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होगा हमारा, प्लस 2, प्लस 10 माइनस 5 प्लस 2, प्लस 9 प्लस 10 माइनस 1 प्लस 7 प्लस 7, आंसर इज 28। 8। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 6 प्लस 7, प्लस 7 का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10 माइनस 3, आंसर इज 15। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 7, ये हो गया हमारा 7 प्लस 9 प्लस 10 माइनस 1 प्लस 8 प्लस 10, 8 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड होता है 3, तो माइनस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 4, आंसर इज 25। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 8, ये हो गया हमारा 8 प्लस 7 प्लस 10 माइनस 3 प्लस 8, प्लस 8 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड होता है प्लस 10 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6, आंसर इज 29। 4 प्लस 1, प्लस 1 के लिए हम यूज करेंगे प्लस 1 के स्मॉल फ्रेंड का, प्लस 5 माइनस 4 प्लस 9, प्लस 9 का विक फ्रेंड का फॉर्मूला होता है प्लस 10 माइनस 1। अब हम माइनस 1 डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हैं तो माइनस 1 का फॉर्मूला होता है
माइनस फाइव प्लस फोर प्लस टू। प्लस टू किस प्रकार से करते हैं? प्लस टू का स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला होता है प्लस फाइव माइनस थ्री। आंसर इज 16। तो चलिए लास्ट एग्जांपल लेते हैं। 6 + 8, प्लस एट का कॉम्बिनेशन फ्रेंड होता है 3, तो प्लस 10 माइनस 5 प्लस 3। प्लस 1, प्लस 1 प्लस 5 माइनस 4। प्लस 9, प्लस 9 प्लस 9 का कॉम्बिनेशन फ्रेंड होता है 4, प्लस 10 माइनस 5 प्लस 4। आंसर इज 24। आज के वीडियो हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन के नेगेटिव केस के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं और इनको हम कब और किस प्रकार से यूज़ करेंगे। जब भी हमें माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन करना होता है तो हमें कुछ केसेस में कॉम्बिनेशन फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं माइनस सिक्स का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी हमें माइनस करना हो कोई वैल्यू तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर किसी नंबर में से हमें माइनस सिक्स करना है और हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें अप्लाई करेंगे वीक फ्रेंड का फॉर्मूला। तो माइनस सिक्स का वीक फ्रेंड का फॉर्मूला होता है माइनस टेन। सिक्स का फ्रेंड क्या होता है? फोर होता है, तो उसको ऐड करेंगे। तो माइनस सिक्स का बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है माइनस टेन प्लस फोर। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा 15। अभी हमको करना है क्या? माइनस सिक्स करना है, लेकिन हमारे पास क्या, ये हमारा राइट हैंड में सिर्फ हमारे पास थंब अवेलेबल है और जिसकी वैल्यू होती है फाइव, हम सिर्फ फाइव कर सकते हैं, माइनस सिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस हमें क्या, बिग फ्रेंड के फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो माइनस सिक्स का फॉर्मूला होता है माइनस टेन प्लस फोर। हमारा आंसर क्या हो गया? नाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 13 - 6। 13 - 6, माइनस सिक्स हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास राइट हैंड में सिर्फ थ्री फिंगर अवेलेबल हैं। तो माइनस सिक्स करने के लिए हमें क्या, बिग फ्रेंड के फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि होता है माइनस टेन प्लस फोर। लेकिन अब हम प्लस फोर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि हमारे पास फोर फिंगर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या है, वन फिंगर अवेलेबल है एंड थंब अवेलेबल है। ओके, तो हम डायरेक्टली प्लस फोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अब हमको यूज़ करना पड़ेगा प्लस फोर के स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है प्लस फाइव माइनस वन प्लस फाइव माइनस वन। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? सेवन। तो कभी कभी हमें सम्स को सॉल्व करने के लिए बिग फ्रेंड एंड स्मॉल फ्रेंड दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इन फॉर्मूले को हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला कहते हैं। तो माइनस सिक्स का फॉर्मूला हो जाता है माइनस टेन प्लस फाइव माइनस वन। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन माइनस वन माइनस इलेवन प्लस फाइव। तो हम कह सकते हैं कि हमारे माइनस सिक्स का फॉर्मूला होता है माइनस इलेवन प्लस फाइव। अगर हमें सिक्स सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम माइनस सिक्स का कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हो जाता है माइनस इलेवन प्लस फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12 - 6। अब हम डायरेक्टली माइनस सिक्स नहीं कर सकते हैं, तो हम पहले क्या, बिग फ्रेंड अप्लाई करेंगे, माइनस टेन प्लस फोर। प्लस फोर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, तो प्लस फाइव माइनस वन। आंसर इज 6। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया हमारा 11। अब हमको करना है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स करना है। तो माइनस सिक्स के लिए सबसे पहले बिग फ्रेंड अप्लाई करेंगे, माइनस टेन प्लस फोर। प्लस फोर हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन के माइनस सिक्स का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस इलेवन प्लस फाइव। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कॉम्बिनेशन का माइनस सेवन। तो चलिए देखते हैं माइनस सेवन के कॉम्बिनेशन फॉर्मूले को कब और किस प्रकार से करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हम डायरेक्टली माइनस सेवन कर सकते हैं या नहीं। अगर हम कर सकते हैं तो हमें कोई फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अगर हम माइनस सेवन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या, बिग फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो माइनस सेवन का बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है माइनस टेन प्लस थ्री।
इसके बाद हम चेक करेंगे क्या हम प्लस थ्री डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्लस थ्री डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं तो हमें उसके बाद हमें प्लस थ्री के स्मॉल फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि होता है फॉर्मूला प्लस थ्री के लिए प्लस फाइव माइनस टू। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन फार्मूला हो जाता है माइनस सेवन के लिए वो हो जाता है माइनस टेन प्लस फाइव माइनस टू। इसको हम डायरेक्टली किस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं कि माइनस सेवन के कॉम्बिनेशन फ्रेंड का फार्मूला किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा फिफ्टीन माइनस सेवन, फिफ्टीन माइनस सेवन। अभी डायरेक्ट तो हम सेवन कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या बिग फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। माइनस सेवन का बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है माइनस टेन प्लस थ्री, आंसर इज एट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सिक्सटीन माइनस सेवन, सिक्सटीन माइनस सेवन, तो माइनस टेन प्लस थ्री, आंसर इज नाइन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा फोर्टीन, फोर्टीन माइनस सेवन। माइनस सेवन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो अब हम यूज़ करेंगे माइनस सेवन के वीक फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस टेन प्लस थ्री। लेकिन हम क्या प्लस थ्री डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या थ्री फिंगर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ थंब अवेलेबल है जिसकी वैल्यू होती है फाइव। तो प्लस थ्री करने के लिए अब हमको यूज़ करना पड़ेगा प्लस थ्री के स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है प्लस फाइव माइनस टू, आंसर इज सेवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं थर्टीन, ये हो गया हमारा थर्टीन। माइनस सेवन, माइनस सेवन तो हमको पता है कि हम डायरेक्टली माइनस सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली माइनस सेवन नहीं कर सकते हैं तो हमको यूज़ करना पड़ेगा माइनस सेवन के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस टेन प्लस थ्री। तो हम प्लस थ्री डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको यूज़ करना पड़ेगा माइनस सेवन के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस टेन प्लस फाइव माइनस टू, आंसर इज सिक्स। ट्वेल्व माइनस सेवन, ट्वेल्व माइनस सेवन, क्या हम माइनस सेवन डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको यूज़ करना पड़ेगा माइनस सेवन के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस टेन प्लस थ्री। क्या हम प्लस थ्री डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हमको यूज़ करना पड़ेगा माइनस सेवन के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव, आंसर इज फाइव। तो चलिए अभी देखते हैं माइनस एट के लिए हम कॉम्बिनेशन फार्मूला किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम माइनस एट डायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं। अगर हम माइनस एट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे माइनस एट के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस एट इक्वस माइनस टेन, एट का बिग फ्रेंड होता है टू, तो एड टू। एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं तो इन फॉर्मूले का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले 16 माइनस एट, ये हमारा 16 माइनस एट करना है। माइनस एट हम डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हमको यूज़ करना पड़ेगा माइनस एट के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस टेन प्लस टू, आंसर इज एट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 13 माइनस एट, ये हो गया हमारा 13 माइनस एट करना है। तो क्या हम माइनस एट डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको यूज़ करना पड़ेगा माइनस एट के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस टेन प्लस टू, माइनस टेन प्लस टू। लेकिन हम क्या प्लस टू डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टू फिंगर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में अब हमको यूज़ करना पड़ेगा प्लस टू के स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है प्लस फाइव माइनस थ्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, फाइव। तो हमारे माइनस एट का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाता है माइनस टेन प्लस फाइव माइनस थ्री इक्वल्स माइनस थर्टीन प्लस फाइव। जब भी हमको माइनस एट करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते हैं वैल्यू को, फिर हम अप्लाई करेंगे माइनस एट के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला।
तो माइनस एट का बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है माइनस टेन प्लस टू, प्लस टू करना है। लेकिन हमारे पास क्या फिंगर टू फिंगर अवेलेबल ना हो और थम अवेलेबल हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या माइनस एट के कॉम्बिनेशन फ्रेंड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि होता है माइनस टेन प्लस फाइव माइनस थ्री, या हम कह सकते हैं माइनस थर्टीन प्लस फाइव। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फोर्टीन माइनस एट, ये हो गया हमारा फोर्टीन माइनस एट करना है। तो हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं, तो हम चेक करेंगे कि हम बिग फ्रेंड के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। बिग फ्रेंड का फॉर्मूला होता है माइनस एट के लिए माइनस टेन प्लस टू, लेकिन हम प्लस टू नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको यूज़ करना पड़ेगा माइनस एट के कॉम्बिनेशन केस का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस थर्टीन प्लस फाइव, आंसर इज सिक्स। जो हमारा कॉम्बिनेशन केस का लास्ट फॉर्मूला है वो होता है अप्लाई होता है जब भी हमें क्या माइनस नाइन करना होता है। माइनस नाइन के लिए हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है और इसको हम कब और किस प्रकार से अप्लाई करते हैं समझते हैं। सबसे जब भी हमें माइनस नाइन करना हो तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम डायरेक्टली माइनस नाइन कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम अप्लाई करेंगे माइनस नाइन के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस टेन प्लस वन। अब हमें प्लस वन करना है, लेकिन हमारे पास क्या लेकिन सफिशियंट फिंगर अवेलेबल ना हो, तो अब तो उस केसेस में हमें क्या प्लस वन के स्मॉल फ्रेंड का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, जो कि होता है प्लस फाइव माइनस फोर। तो जब भी हमें दोनों फॉर्मूले एक साथ यूज़ करने पड़ते हैं तो इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन फार्मूला। तो माइनस नाइन का कॉम्बिनेशन फार्मूला हो जाता है माइनस टेन प्लस फाइव माइनस फोर, या हम इसको कह सकते हैं माइनस फोर्टीन प्लस फाइव। तो चलिए एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं कि माइनस नाइन के फॉर्मूले को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा 17 माइनस नाइन, ये हो गया हमारा 17 माइनस नाइन करना है। माइनस नाइन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो अब हमें यूज़ करना पड़ेगा माइनस नाइन के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस टेन प्लस वन, आंसर इज एट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 14 माइनस नाइन, 14 माइनस नाइन, तो क्या हम डायरेक्टली नाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब हमको यूज़ करना पड़ेगा माइनस नाइन के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस टेन प्लस वन, लेकिन हम क्या यहाँ पर प्लस वन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन फार्मूला, जो कि होता है माइनस फोर्टीन प्लस फाइव, आंसर इज फाइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।